ओ भाई 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 हड्डी आई रे ये तो रहने दे यार ये कुल यार गाइस जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों यार, लोकेशन आपने इस लोकेशन को आज के एक साल पहले देखा होगा यार, और इस लोकेशन पे हम लोग आज के एक साल पहले आए थे और वापस एक साल बाद में आए हैं। आना पड़ गया, जो कि वो एक अगोरी बाबा गांव से बच्चों को किडनैप कर करके लाता था। तो आप समझ गए होंगे कौन से अगोरी की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे उस अगोरी ने वापस आज तक फैला दिया है गाइस यार। गांव वाले 5 दिन से लगातार परेशान होकर हमारे पांव पकड़ने को तैयार हो गए कि मतलब यार भैया आप लोग वापस एक बार उस लोकेशन को विजिट करो, आखिर वो अगोरी बाबा चाहता क्या है गाइस यार। लेकिन गाइस जब गांव वाले हमारे पास आए, हमको भी वो एक तरह से घबराहट हो गई। कितने फौजी कितने पुलिस वाले लेकर आए थे, जब उसका पीछा छूटा, अब की बार क्या करेंगे हम। अब गाइस यार मेरे को लगता है कुछ बड़ा करना होगा यार, मतलब एक साल बाद में वापस लौट कर आए मुकुम भाई, इसका मतलब गाइस ये शक्ति धारण कर रखा है इसने यार। और लोकेशन भी काफी खतरनाक है गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पिछली बार भी कितनी चढ़ाई चढ़ते थे तब जाकर वो मिलता था हम लोगों को। तो हम लोगों को वापस पहाड़ चढ़ना पड़ेगा गाइस, चढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी इस वीडियो को शेयर कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों के कि आप पता नहीं शहर में रहते होंगे या गांव में, जिस भाई के भी गांव में बनती ही है तो हमसे कमेंट में बताएं जरूर जरूर, क्योंकि इतना शक्तिशाली अगोरी है जो कि हर गांव में मिल जाएंगे। लेकिन ये अगोरी ऐसा है कि बच्चों को किडनैप कर करके लाता है, इसलिए गांव वाले परेशान है इससे। अब पता नहीं गाइस वो अगोरी बाबा ऊपर क्या कर रहा होगा क्या नहीं, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। हम लोगों ने आधे पहाड़ की चढ़ाई करी और फिर वीडियो स्टार्ट कर ली, अभी ऊपर भी नहीं गए हम, और ऊपर से वो कुछ हमला भी कर देना हमारे ऊपर, यही तो अभी हमको अभी कुछ पता नहीं है गाइस आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, हमारे साथ में कुछ पता नहीं है। कैमरा ऑन रहेगा, वीडियो रिकॉर्ड होती रहेगी, जो कैमरे के अंदर होगा वो सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा यार। हाँ भैया व्यवस्था बाकी काफी खराब है गाइस, कोई फेक वीडियो नहीं है। बहुत भाई कमेंट लिख के भेजते कि भाई फेक है भाई, अगर फेक है ना तो तुम आके दिखाओ यहाँ पे, बस मान जाएगा आप लोगों को यार। भाई पत्थर ले लूँ यार हाथ में, पत्थर वगैरह और हथियार तो आज गाइस हमारे पास में कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी अभी आए तो डरते हैं। लेकिन करे क्या, इस लोकेशन पे आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन गाइस यार गांव वालों का सवाल है, और गांव वाले मतलब कि सभी बड़े बुजुर्ग है जो भी बोलते हैं, हम लोग वैसे नाइट में जाते रहते हैं तो उन लोगों को पता है, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं किसी भी वीडियो में नहीं आ रहा हूँ, और जो टीम आ रही हमारी वो टीम ने भी आज हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको पता है एक साल पहले क्या हुआ इनके साथ। इसलिए मुकेश भाई, मैं और कैमरे पे सुरेंद्र भाई, हम तीनों आए हैं यहाँ। यस भैया, और विशेष जी ने बिल्कुल मना कर दिया इस लोकेशन पे आने के लिए कि यार, क्योंकि पिछली वीडियो में वो आए तो नहीं साथ, लेकिन उन्होंने वीडियो देखी है इसलिए। रास्ता काफी खराब है यार भाई, इधर से रास्ता है गाइस, देखो पिछली बार तो यहाँ पे रास्ता भी बना हुआ था, लेकिन अब तो ये बहुत टाइम हो गया भाई, कोई आता जाता टाइम हो गया ना यार भाई, जानवर चराने तक नहीं आता है यहाँ कोई। इधर आ जाओ, काम तो आना, लेकिन पासपोर्ट पड़े हैं आपको। कितने सालों से आ रहा है जंगल में यार, अगर वो हमारे ऊपर भागते हमला भी कर दें तो गाइस हम लोग भागते कांटों के अंदर फंस जाएंगे, ऐसे माहौल बन रखा है यहाँ पे। और पता नहीं वो हमेशा उसी जगह को क्यों टारगेट करता है, यानी कि भाई यार उस जगह पे कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है भाई, वहाँ पे आग लग रही है जैसे। वो देखो यार किधर, वो देखो भाई उसी जगह पे आग लग रही है गाइस, उसी जगह पे आग लग रही है गाइस, कसम से। चलो चलो ऊपर चलो भाई, ऊपर चलते चलते आ जाओ यार भाई, यार ये बच्चों को अगवा करके लाता है कसम से यार, पता नहीं करता क्या है, जिंदे बच्चों को खाता है गाइस, दिन में यहाँ नहीं रहता गाइस, पता नहीं कहाँ जाता है, दिन कहाँ जाता है पता नहीं, गांव के अंदर जाता है या ऊपर पहाड़ के ऊपर जाता है। लेकिन गाइस अगर कमेंट में आप आग चेतरी भाई, आग चेतरी वापस वीडियो को फुल सपोर्ट करना, आप बता बोलोगे ना भाई पहाड़ के ऊपर जाके देखो दिन के अंदर भाई अगोरी वहाँ रहता है या नहीं रहता है, बस तो हम आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन वीडियो को फुल सपोर्ट करो आप, जरूर आएंगे गाइस दिन में अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो। यार आप लोग कमेंट कर देना बस एक छोटा सा, वो देखो आग जल रही है भाई, जल रही आग गाइस, पता नहीं वो वहां है या कहीं साइड में है, अभी हमको कुछ पता नहीं है, ऊपर जाने पे पता चलेगा भाई यार। वो देखो भाई, देखो सुन गए, वो आज सुन गए भैया, सुन गए गाइस यार, ओ भाई यार
अच्छा जो पास में चलते बुको मैं हिम्मत बढ़ा के चलो यार डरना नहीं है गाइस हम लोगों को यार पत्थर ले लो हाथ में यार पता नहीं किधर से हमला कर देगा वो यार भाई पत्थर हाथ में ले लेते हैं और भाई आराम से कौन है कौन है थोड़ा आगे चलना भाई बाबा तू फिर आ गया कौन है ओ भाई यार भाई इसको तो हमने नष्ट कर दिया ना और वही बाबा है गाइस और वही देखो बिल्कुल वही रूप है उसका वही का वही रूप है। हाँ यार भाई उसको सर्दी लग रही है भैया। हाँ भाई तब जला के बैठा है पता नहीं भाई तब जला के बैठा है चला रखा है या किसी मास को सेक रहा है ओ भैया वो क्या कर रहा है क्या कर भाई भाई पास में पास में आना यार केंद्र के पास में हो यार केंद्र को पास में रखो भाई कौन है कहाँ जा रहा है लेकिन तू मेरी बात नहीं माना और आज फिर वापस लौटा है इस जगह पर वो भी एक साल बाद इतने दिन कहाँ गया अच्छा वो तू है क्या वापस आ गया तू वापस गांव वालों को क्यों परेशान कर रखा है तूने यार क्या चाहता है बाबा इधर आ भाई आपने एक कहावत तो सुनी होगी लातों का भूत बातों से नहीं मानते, गाइस कसम से यार ये वही लग रहा है मेरे को लातों का भूत है ये लातों का भूत ही है बातों का तो नहीं है ये बातों से नहीं मानने का गाइस और इसके पास बहुत सारी शक्ति है इसको देखो तो सही यार अपनी मस्ती के अंदर मस्त होकर मस्त बैठा है यार हां भाई यार इतने घने जंगल के अंदर इतनी सर्दी है भाई यहां पे रुको 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 वहां पे वो देखो वो क्या पड़ा हड्डी पड़ी है वहां पे यार पड़ी है भाई पास होना भाई आखिर किस चीज की हड्डी पड़ी बच्चे की हड्डी है या किसी जानवर की हड्डी है यार इसने दिन को क्या यहां पे जलाया क्या कुछ ना क्या हुआ चलो ऊपर चलो ये पड़ी है ना हड्डिया देखो भाई भाई ये रही भाई 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 हड्डिया ये रही हां ये पड़ी है ना हड्डिया देखो अरे हड्डिया तो ये पड़ी है इधर भी देखो पूरा कंकाल पड़ा है यार आगे चलो चलो किधर है अरे इधर कौन है अरे इधर भी है क्या पड़ा है अरे इधर क्या लेना है तू अरे भाई यार ये देखो देखो भाई इधर आना यार भाई यार ये तो मुंह है यानी ये जानवर की है या काई की भाई यार ये भाई ये जानवर की तो नहीं है डायनासोर की लगती है मेरे को तो यार हां भाई यार क्या क्योंकि यार ऐसा जानवर का हड्डी थोड़ी ना रहती है यार रहती है तो बहुत लंबा मुंह है ये तो बहुत लंबा मुंह है ओए तू तेरी यार ओ भाई दूर रहो यार भाई देखो आंख फेर रहा अपने ऊपर वही जैसे 5 साल पहले अपने ऊपर ही हमला करता था वही हरकत कर रहा है ये तो यार वही हरकत है बिल्कुल ये बिल्कुल भी नहीं बोला बिल्कुल वही हरकत है यार अपने अंदर बदलाव आ गया लेकिन इसके अंदर नहीं आया इसके बाल देखो जैसे कई वर्षों से नहाया नहीं है बहुत लंबे हो गए भाई यार इसके बाल लंबे हो गए गाइस तेरी यार लेकिन एक बात है मुकुम भाई यार चाहता क्या तू इस गांव से ओ मुकुम मुकुम भाई हाँ इसको छेड़ो मत भड़क रहा है ये हाँ भाई इसको क्या है गाइस यार हम लोग थोड़ा दिमाग से यूज करके इसका थोड़ा पंजाब करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अगर हम लोग इससे ज्यादा इसे जबरदस्ती करेंगे तो ये शक्ति होगा वो शक्ति होगा यार हां भाई यार क्या बोल रहे हैं यार भाई ओ भाई रुको यार मैं बोल रहा हूं भाग जा ऐसा थोड़ा ऊपर चलते ऊपर देखो अपने जान वाले बाबा ऐसे तूने गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा है तू चाहे कुछ भी कर हम लोग डरने वाले नहीं है निकल जा आखिर क्या चाहता है इस जगह से और वापिस वही जगह अपनी है भाई इसने और हमारे गांव वालों को क्यों परेशान कर रखा तू बाबा अरे बच्चा भाग जा यार देख भाई इसको देखना भाई देखो हड्डी देखो ये देखो हड्डी छिट रखी है हां भाई यार और बिल्कुल यार गाइस मांस की सुगंध आ रही है हां हां भाई यार तेरी यार भाई यार क्या करें यार बहुत मारा भाई हां बहुत बुरी तरह मारा ये है ना भाई इसको देख लूं क्या भाई देखो भाई यार देखो क्या अरे भाग जा ओ भाई ओ बच्चे क्या कर रहा है तू इतनी साल कहाँ गया था तू वो मेरा काम था कुछ यानी कि हम नष्ट करने से तुम्हारी मौत बनकर इस जगह पर लौटे अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो यहाँ से निकल जा बाबा अरे तू निकल जा वरना 2 सेकंड अंदर तेरे को उड़ा डालूंगा मैं
देख हमको मजबूर मत कर, हम लोग गन भी हमारे पास में, हम तुम्हारे ऊपर फायरिंग कर देंगे। तो हमको भाग करने की बात कर रहा है भाई, एकदम पास में जाकर होंगे हम इसके यार। भाई नहीं यार, और जाकर आता हूं यार भाई, हमला कर देगा भाई। ये रख बाबा, मैं तेरे को कर रहा हूं। ओ भाई भाई भाई, ओ भाई भाई, ओ भाई, ओ देख भाई भाई हो गया भाई यार। हां भाई भाई यार, भाई मैं एक बार हिम्मत करके वापस आता हूं कसम से यार। मैंने वहां पे देखा था बच्चे का मुंह जल रहा था यार, जल रहा भाई, भाग रहा है। देखो तो ऐसा मत कर गाइस, बच्चे का मुंह जला रखा इसने यार, और आधा शरीर को उधर पटक रखा काट के यार। भाई ऐसे तो मानेगा नहीं यार। हाँ हमारा गांव है भाई, गांव में छोटे छोटे बच्चे गाइस यार, उनके माँ बाप छोटी सी किलगारी है यार। क्या करें मुकुम भाई, मैं जाकर आता हूँ ठीक है ना, हिम्मत बढ़ा के। तुम लोग यहीं पे रुकना भाई, संभल के। मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ ठीक है ना। अरे बच्चा भाग क्या, मैं बोल रहा हूँ तेरे को आखिरी बार, बोल दिया ना तेरे को, तुम निकलो यहाँ से। अरे तू भाग भाई, ओ भैया तू भैया आग फेंक रहा भाई तू। हाँ भाई आग से ही वो कर रहा है ये तो भाई यार, आग चूल्हा कर रहा भाई यार। हाँ भाई यार, हाँ वो कौन भाई, इसके अंदर मेरे को लगता है बहुत सारी शक्ति धारण हो चुकी है। तभी एक साल लगी भाई इसको, शक्तिशाली बन गया ये भाई। मेरे को लगता है इनके पिछली बार शक्ति कम थी इसके अंदर। भाई क्या ये मेरे को लगता है शक्तिशाली हो रही है। हाँ। और इतने दिन मतलब ये जो गायब गायब रहे ना मुकुम भाई, और यस बी आर सर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भाई आने की। यही बात है, गर्मियों के टाइम में नहीं आता, ये सर्दियों के टाइम में यहाँ पे लौटता है। पिछली बार भी सर्दी थी, आपको यकीन नहीं है, एक साल पुरानी वीडियो देख लो आप भाई यार। सुंदर भाई, भाई अरे भाग जा, ए बाबा चेतावनी दे रहा तेरे को, निकल जा यहाँ से। भाई भाई हमला कर देगा, मैं संभाल के। मैंने बोल दिया बाबा, काजल को आकर मार डाल तेरे को। ओ भाई यार, ओ भाई, ओ यार तू उठ गया मुकुम भाई। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई यार, ओ सुमंत भाई तेरे चलो करो, वो इधर ही आ रहा भाई। और भाई भाई, ओ भाई यार, भाई आ रहा है। ओ भाई, ओ भाई, भाई निकलो तुम, भाई निकलो तुम, भाई 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 और वो आग फैला रहा जंगल के अंदर भाई, पूरा जंगल अंदर कंकाल ही कंकाल है भाई यहाँ। हाँ यार सब दिख रहे सर। मैंने एक चीज देख ली वहाँ पे कसम से यार, और भाई वो आग जला रहा है वहाँ पे जंगल के अंदर, बच्चों को पेड़ सेक रहा था वो। हाँ पूरा भाई यार खा रहा है भाई, उस मास को छोड़ेगा नहीं, और ये बहुत शक्तिशाली हो चुका है, निकलना पड़ेगा अभी। पर बिल्कुल आग फेंकी उसने लब लबाती हुई गाइस, बड़ा चुका आपकी बात। देखो तुम, देखो निकलो तुम, निकलो यार भाई, ये तो बोल ये काफी भयानक शक्तियां धारण करके अपने अंदर, और फिर एक साल बाद आया यहां, एक साल बाद लौटेगा इस, और ये बहुत, और यानी भाई इस गांव को शराब लग रखा है। सॉरी ना कुछ है भाई यहां पे यार, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं गाइस यार, गांव के बच्चों को हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे, गांव वालों को हम लोग सूचित कर देंगे कि यार रात को एक बाबा आता है उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर किसी भाई के गांव में भी ऐसा होता होगा तो वो हमको बताएंगे, और हमारी भी कुछ हेल्प हो जाएगी इस गोरी को यहाँ से भगाने में। और गाइस अगर आप लोग कैमरे के अंदर इसका अगला सीन देखना चाहते हो तो हम लोग को कमेंट करना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वरना हम लोग विदाउट कैमरे के भी यहाँ के आकर चले जाएंगे। मुकुम भाई इधर आओ, चलो भाई चलो। अरे भाई वीडियो 1 मिलियन जाएगी तभी आएंगे हम यहाँ, इतनी मिलियन की कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप लोग तो बस इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना यार, और अच्छा से कैसा सपोर्ट दिखाना बस आप लोग यार। मुकुम भाई ऐसे चलो पीछे, बंद करो भाई कैमरा, चलो चलो भाई चलो।